से की स्टार कास्ट जो अभी 11 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है। नीता शेट्टी, रजनीश दुग्गल, सोनारिका भदौरिया और हितेन तेजवानी। हाय गाइस। हितेन और रजनीश से आप फिल्मों में तो मिल चुके हैं, पर आज हम इन्हें लाइव मिलवा रहे हैं। वैसे सोनारिका कोई जानी पहचान अनजाना नाम नहीं है टीवी इंडस्ट्री के लिए। पार्वती के रोल में आप इन्हें वैसे ही देख चुकी हैं, और ये चुलबुली घर की लक्ष्मी बेटियां। तो आज हम इनसे बात करते हैं, इनकी मूवी किस बारे में है? जी, हमारी फिल्म एक रोमांटिक हॉरर फिल्म है। ये बेसिकली एक कहानी है एक लड़की की जो कहीं पे किसी भूत से कह सकते हैं या स्पिरिट से प्रभावित है। उसकी पूरी लाइफ उसी गुंजन में, और कैसे एक लड़का आता है, प्यार में पड़ता है, एंड देन वो कैसे उसको छुटाने की कोशिश करता है, जिसमें हम सब मिलते हैं और एक जर्नी पे निकलते हैं जहाँ पे हमें उसे बेसिकली वो भूत से पीछा छुड़ाना है। अब वो छुड़ा पाते हैं या नहीं, ये तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, वो हम बता नहीं सकते। जी, हमें मना कर गए सोनारिका, और मेरा सवाल नीता से है। मैं आप सोनारिका से या नीता से? दोनों से। अच्छा। इससे पहले आप लोगों ने टीवी सीरियल्स किया था और अब आप लोग मूवी में आए हैं, मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? दोनों में वर्क कल्चर में क्या डिफरेंस आपको महसूस हुआ है दोनों को? जी, मुझे लगता है कि आजकल टीवी भी छोटा नहीं है। आई फील टीवी भी बहुत बड़ा है अपने आप में, और कोई डिफरेंस नहीं रह गया है टीवी और फिल्म में। बस एक ये डिफरेंस है कि टीवी आजकल तो खैर सीरीज भी आने लगी हैं, यू नो। टेलीविजन शोज एक फाइनाइट सीरीज होती हैं, यू नो, जो शुरू होती हैं खत्म हो जाती हैं, तो विच आर, यू नो, मोर और लेस लाइक फिल्म्स। लेकिन पहले के टाइम में टेलीविजन बहुत मोनोटोनस होता था, यू नो, सालों तक खींचता था। अभी भी ऐसा होता है। फिल्म्स में ये है कि आप एक, यू नो, छोटे ग्रुप को, मतलब एक टीम को मिलते हो, एक नया प्रोजेक्ट पे काम करते हो, खत्म होता है, एंड देन यू मूव ऑन, एंड यू नो यू कीप मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल। तो There's really no difference. Okay. जी, मुझे लगता है थोड़ा डिफरेंस ये है कि जब हम फिल्म करते हैं तो फिल्म में हम सारी डिटेलिंग भी जाते हैं, जैसे कि बीट द फ्रेम, बीट द परफॉर्मेंस, बीट द कंटेंट ऑफ द सीन। तो वी हैव टू बी एग्जैक्टली परफेक्ट, क्योंकि वो जो हम फिल्म करते हैं वो एक बार होता है और लाइफ टाइम होता है। सो वंस डन इट्स देयर फॉर एवर, सो इट्स मोर डिटेलिंग, एंड दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम, वर्किंग एंड एक्टिंग और everything is same, but the detailing is the factor which I feel is a little add on to the. हमें हिंदी में बात करनी है। हाँ। ऐसे इस मूवी के बारे में जहाँ तक हमने सुना था कि ये बॉलीवुड की अब तक की और भी हॉरर मूवी जो बनी है उनसे सबसे डिफरेंट है। क्या आप थोड़ा बता सकते हैं कि क्या सबसे डिफरेंट और खासियत इसकी? जी, मैं ये कहूँगा कि सबसे डिफरेंट, डरावनी है। इस साल की सबसे डरावनी फिल्म होगी। मतलब इसमें ऑब्वियसली इसमें हम लोग इतने सुंदर दिखने वाले लोग भी हैं, लेकिन उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो आपको डराएंगे एज एन ऑडियंस, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी नॉर्मल चीज़ें रखी हैं, लेकिन वो इस एक ऐसे मोड़ पे आती हैं सडनली कि आपको एज एन ऑडियंस, मतलब इवन जब हम लोगों ने फिल्म देखी तो उस पर बहुत डर लगता है। एंड उसके अलावा आपको अच्छे गाने देखने को मिलेंगे, जिसमें से दो गाने ऑलरेडी हिट हो चुके हैं, अरिजीत का एंड अरमान का। तो म्यूजिक वाइज यू विल सी अ लॉट, यू विल सी हितेन परफॉर्मिंग समथिंग जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया है, एक अलग किरदार जो पहली बार में। बेफिजूल के डराने की कोई बात नहीं, जब है, जब जो होता है, जब हो रहा है, जो देख सकते हैं आम लोग आंखों से, वो दिखाया। सोनारिका जी, हमने सुना था कि आपने शूटिंग के दौरान थोड़ा पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस की थी, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? यार, ये आपको किसने खबर दी है? मैंने ऐसे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी खबर गलत नहीं हो सकती। इनकी खबर अंदर से आती है, अंदर से नहीं, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, पर ये लोग डराने के लिए जरूर, वो एक्सपीरियंस कराने के लिए ये दोनों काफी थे। जी, हम लोग, जी, ये लोग जो ये शरीफ, हाँ, तो मतलब क्या हम डरा सकते हैं? बिल्कुल, हाँ। एक आखिरी सवाल सर, आप दोनों ने पहले मूवी में काम किया हुआ है, ठीक है, आपको अच्छा खासा एक्सपोजर है, बट इनकी ये पहली मूवी है। इसके पहले ये तेलुगु मूवी में आई है, मैम आई हैं, बट इनका एक सपोर्टिंग रोल था। तो आप मुझे बताएंगे कि कैसा कोऑर्डिनेशन बना बीइंग अ डेब्यूटेंट और बीइंग अ वेटरन? जी, वो तो आपको डायरेक्टर ही बताएंगे। हां, एक्चुअली क्या है कि लकीली हमने कास्ट नहीं किया। हां, तो डायरेक्टर ने किया, प्रोड्यूसर ने। कोऑर्डिनेशन होती है ना, लाइक कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी बिकॉज आई थिंक दोनों पहले एक्ट कर चुकी हैं टीवी पे एंड दोनों कैमरा फेस कर चुकी हैं सो दे दैट वे दे आर बोथ वेरी प्रोफेशनल एंड दोनों को अपना काम आता है. हमने वर्कशॉप्स की तो डेफिनेटली यू गेट टू नो ईच अदर और वर्कशॉप्स की तो और आगे हम पहले दिन मिले सब लोगों से तो बहुत अच्छी मुलाकात हुई है ना सर. बहुत अच्छी मुलाकात हुई, अच्छे से मिले, अच्छे से वर्कशॉप किया और उसके बाद में शूटिंग पे मिले. और मतलब एक फनी चीज है, हमारी वर्कशॉप भी जो पहले दिन चल रही थी तो वो अंधेरे में चल रही थी. इतने बड़े हॉल में लेकिन वो बिल्कुल अंधेरा था एकदम. सडनली हितेन आया, मतलब हम लोग सब बैठ के पढ़ रहे थे ऑलरेडी, मतलब पढ़ नहीं रहे थे सुन रहे थे, राइटर पढ़ रहा था. उन्होंने मतलब अपना लैपटॉप का लाइट ऑन था और वो पढ़ते जा रहे थे, हम सिर्फ सुन रहे थे. एंड सडनली दरवाजा खुला, आवाज आई एंड हितेन एंटर्ड. सो सडन मतलब उस टाइम पे कुछ लोगों के काफी रोंगटे खड़े हो गए थे बिकॉज दैट वाज अ वेरी डिफरेंट मोमेंट. यार हमारी बॉन्डिंग बिल्कुल अच्छी थी, आपको फिल्म में दिखेगा क्योंकि हम ऑफ स्क्रीन भी इतने अच्छे जेल्ड अप हैं और अच्छे फ्रेंड्स हैं कि आपको वो केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन डेफिनेटली जेल्ड अप तो जरूर काफी. वैसे आप लोगों से बात करके यही लग रहा है कि आप लोगों की केमिस्ट्री काफी अच्छी रही है और हम सब लोग बहुत एक्साइटेड है आपकी मूवी देखने के लिए जो 11 नवंबर को आने